खबर लौंडीगुड़ा ब्लॉक के ग्राम ककनार बालक आश्रम महिमा का है। एक और जहां सरकारें लाखों करोड़ों खर्च कर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं कुछ लापरवाह कर्मचारी जिन बच्चों के हाथों में कलम थमानी चाहिए उनके हाथों में झाड़ू नजर आ रही है। लापरवाह अधीक्षक के भरोसे माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करें तो कैसे। हम जो आपको भ्रष्टाचार की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आपको इन बच्चों पे तरस आएगा। वहीं अगर खाने की गुणवत्ता की बात करें तो बच्चों को जो दाल दिया जा रहा है वह पानी की तरह पतला है। आपको बता दें हमारी टीम ने खाने की गुणवत्ता की जांच की जिसमें पता चला कि बच्चों को जो दाल खिलाया जा रहा है वह पानी की तरह पतले है जिसमें नाम मात्र के लिए दाल है। वहीं अगर शौच की व्यवस्था की बात करें तो शौचालय होने के बावजूद बच्चों को जंगलों और नालों में भेजा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आश्रम अधीक्षक कभी कभार ही आश्रम में उपस्थित रहते हैं, बाकी दिन किसी न किसी बहाने से छुट्टी में होते हैं। वहीं अगर आश्रम के प्यून लोगों की बात करें तो करीब 5 प्यून होने की बात बताई गई है, जिसमें से 2 से 3 प्यून कुछ न कुछ बहाने से आश्रम से गायब रहते हैं, जिससे पूरी जिम्मेदारी एक प्यून के ऊपर होती है, वो भी बच्चों से काम करवाता नजर आया। जर्जर आश्रम की मरम्मत किसी भी प्रकार से नहीं कराई जा रही है। आपको बता दें दीवालों में छेद तो कहीं दरवाजे में छेद। इस हालत में ठंड में ठुठर रहे बच्चों को नाम मात्र के लिए सिर्फ कंबल पतले वाला दिया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही मेडिकल की व्यवस्था है। लापरवाही की दास्तां सुनाती यह आश्रम शासन प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े कर रही है।